एक बार फिर से स्वागत है आपका। अपना राजस्थान देख रहे हैं आप। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक नारायण पंचारिया का बयान, जेपी नड्डा के बाद वसुंधरा राजे भाजपा की दूसरी सबसे बड़ी नेता। ये बयान आया है, आपको बता दें, नारायण पंचारिया का। वह भाजपा की नीति निर्धारण कमेटी के सदस्य। बीजेपी में कोई खेवा नहीं, सिर्फ कमल ही कमल। बीजेपी की पहली सूची में वसुंधरा राजे गुट के नेताओं के टिकट काटे जाने पर पंचारिया ने कहा कि नरपत सिंह राजवी का पत्र सबने पढ़ा है। जिस पार्टी को भैरव सिंह जी ने खड़ा किया उसके खिलाफ नहीं जाएंगे। हमारा बड़ा परिवार है, मतभेद है, मनभेद नहीं। तो ये बड़ा बयान सामने आया है पंचारिया का। उन्होंने साफ तौर पर कहा है, जेपी नड्डा के बाद वसुंधरा राजे दूसरी सबसे बड़ी नेता है। कोई खेमा नहीं है, यहाँ खेमा है कमल, यहाँ भारतीय जनता पार्टी ही है। वसुंधरा राजे जी भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। छोटा फंक्शन, शादी ब्याह हो गया, एक ही परिवार एक खून है, उसके बावजूद भी हम मनुष्य है। वैचारिक मतभेदता हो सकती है विचारों की, लेकिन मन के भेद नहीं है भैया। तो देखिए, ये बयान आया है कि मतभेद हो सकते हैं पर मन भेद नहीं है। तो बड़ा बयान, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि नरपत सिंह राजवी का पत्र सबने पढ़ा, जिस पार्टी को भैरव सिंह जी ने खड़ा किया है उसके खिलाफ नहीं जाएंगे। हमारा परिवार बड़ा है, मतभेद है, लेकिन मनभेद नहीं है। और साथ ही वसुंधरा राजे को बीजेपी की दूसरी सबसे बड़ी नेता बताया है जेपी नड्डा के बाद। तो ये बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक नारायण पंचारिया का बड़ा बयान। चलिए, इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए भरतपुर से हमारे सहयोगी देवेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, नारायण पंचारिया का ये बड़ा बयान सामने आया है, जेपी नड्डा के बाद वसुंधरा राजे को उन्होंने दूसरी सबसे बड़ी नेता बताया है, क्या कुछ मायने निकाले जा रहे हैं इस बयान के? अपने आप में बड़ा बयान है। आज जो नारायण पंचारिया है वो भरतपुर से भाजपा चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक हैं और भाजपा की जो डैमेज कंट्रोल कमेटी बनाई गई है उसके भी सदस्य हैं। आज भरतपुर पहुंचे थे, भरतपुर में मीटिंग ली और उसके बाद जब प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे तो वसुंधरा गुट के जो नेता है उनके टिकट कटने के सवाल पर उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि वसुंधरा राजे भाजपा की सबसे बड़ी नेता है और जो कि जेपी नड्डा के बाद दूसरी सबसे बड़ी नेता है, वो प्रबंधन समिति की सदस्य है और सारे बड़े फैसले जो होते हैं उसमें वो बैठती है। साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा के अंदर कमल ही खेमा है और कोई खेमा नहीं है। जी जी, शुक्रिया देवेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए।